लगातार ही तमाम खबरें आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 अंतिम चरणों पर जल्द पहुंचने वाला है, क्योंकि पांचवें चरण में वोटिंग हो चुकी है बीते दिनों और अब छठे चरण पर सबकी नजरें हैं। इसे लेकर राजधानी दिल्ली में जहां रोड शो प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां 4 बजे प्रदर्शन होने वाला था, वहां प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की जीत के लिए जमकर जनसैलाब को संबोधित करना। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में ही प्रियंका गांधी का कांग्रेस की जीत पर जमकर बोलबाला करना, कांग्रेस की जीत की तैयारी करना। छठे चरण की वोटिंग से पहले लगातार कांग्रेस और बीजेपी का एक दूसरे पर पलटवार, प्रियंका और मोदी की चुनावी भिड़ंत। इन सब के बीच भाजपा के प्रत्याशी बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपने रोड शो के जरिए, बयानबाजी के जरिए कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधने में कोई कमी रखते नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे शो में, जिसमें हम करेंगे बात सनी देओल के चुनाव प्रसार के बारे में। जी हां, भाजपा से जुड़ी हो उनकी स्टेप मॉम हेमा पहले से ही जिनका दामन थामकर सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र का आशीर्वाद पाकर अपने सभी करोड़ों दर्शकों का दुआओं का पाकर उनके प्यार के साथ गुरदासपुर की जनता को जीतने के लिए जिस तरह की तैयारियां करते नजर आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा के नारे लगाने वाले सनी देओल, जिनका कहना है कि पॉलिटिक्स उन्हें नहीं आता है लेकिन जनता की सेवा करने इनका लक्ष्य है। पीएम मोदी की जीत ही उनकी लक्ष्य में शामिल है। ऐसे में कैसी है तैयारियां सनी देओल की, कैसे उन्हें जमकर फायदे मिल रहे हैं, इस तरह जनता उनकी तरफ खींची चली आ रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए खास रिपोर्ट। पिता धर्मेंद्र के आशीर्वाद के साथ सनी देओल अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी का दामन थामकर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा के उम्मीदवार बनकर गुरदासपुर में भले ही बड़ी जन सैलाब को इकट्ठा कर पंजाब के पूरे हर राज्यों में लोकसभा के प्रचार के लिए कोई कसर बाकी रखते नजर ना रहे हो। भले ही उनका ये कहना हो कि पॉलिटिक्स से उनका रिश्ता पुराना है और पॉलिटिक्स नहीं लेकिन पॉलिटिकल दुनिया उनके लिए खास है, क्योंकि देश की उन्नति में पॉलिटिकल नेताओं का है बड़ा हाथ, पॉलिटिक्स की दुनिया का है बड़ा हाथ, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स करने वो नहीं आए हैं, यहाँ देश की उन्नति करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी जीत दिलाने वो आए हैं। जी हाँ, फिल्मी गलियारियों को छोड़कर सनी देओल आखिर क्यों भाजपा से जुड़े हैं, इस पर बात करते हुए सनी देओल ने बड़ी खुशखबरी दी है गुरदासपुर की जनता को कि वो जनता के सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए भाजपा से जुड़े हैं। फिल्मों में लंबे समय तक हाथ आजमाने के बाद सनी देओल को खूब प्यार मिला है और सनी देओल को बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 80 के दशक से लेकर 90 के दशक में बड़ी से बड़ी हिट फिल्में दी। उनके दमदार डायलॉग से लेकर एक्शन सीन्स की हमेशा तारीफ हुई, जिन्होंने देशभक्ति भी फिल्में की, लेकिन बात देशभक्ति की हो रही है, देशभक्ति से जुड़े फिल्मों की नहीं हो रही है। ऐसे में जनता के बीच सनी देओल ने तमाम रोड शोज किए और उन्होंने अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी के नक्शे कदम चलते हुए जनता की जीत पर बार बार एक ही बात कही है कि जनता की जीत प्रधानमंत्री की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बफर से राजगद्दी में बिठाने की कोशिश है ये, जिसकी वजह से वो लोकसभा से जुड़े हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। इसे लेकर ही हेमालिनी ने कई और राज्यों में बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने हर वादे पूरे किए हैं, जनता की हमेशा रोजगारी की बात की है, किसानों को सुख सुविधा दिलाने की बात कही है, ज्यादा से ज्यादा देश के राज्यों के चप्पे चप्पे गांव और कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात सुनने की कोशिश में देश को आगे बढ़ाने की बात की, देश को सुरक्षित रखने के लिए। और यही वजह है कि हेमा मालिनी चुनाव प्रसार के जरिए जिस तरह मथुरा से पहले भी जीत हासिल कर चुकी थी, इस बार भी उनकी जीत तय लगती नजर आ रही है।
और यही कारण है कि धर्मेंद्र यानी कि सनी देओल के पिता ने चुनाव प्रचार करते हुए अपनी पत्नी हेमा का साथ दिया, जिनका पूरा भरोसा है कि किसानों के लिए भाजपा इस बार भी न्याय करेगी। तो वहीं से के साथ साथ सरकार पर भरोसा करने की बात करते हुए धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को भी उकसाया है और वोटिंग डालने के बाद पांचवें चरण में वोटिंग डालने के बाद मथुरा में वोटिंग होने के बाद अब धर्मेंद्र पूरी तरह से सनी देओल को आगे कर वो पीछे से जी हाँ घर के अंदर से उन्हें हिम्मत दे रहे हैं, जिससे एक बड़ी खुशखबरी ये है कि सनी देओल को इसका फायदा ये मिल रहा है कि वो खुलकर खुद ही सामने आ रहे हैं अपनी सौतेली माँ हेमा के नक्शे कदम चलते हुए। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल को लेकर बड़ी खुशखबरी ये है कि उनकी फिल्मों को भी लोग अब और भी देखना चाहते हैं, जिनमें सनी देओल कोई कमी रखते नजर नहीं। उनके अंदर फिल्में करते करते जो देश को लेकर प्रेम हमेशा फिल्मों में देखने को मिला है, वो उनके दिल से निकलने वाला प्यार है, यही दर्शकों का कहना। यही वजह है कि उनकी रिसेंटली रिलीज हुई ब्लैंक फिल्म को भी, जी हाँ ब्लैंक फिल्म को भी करोड़ों की कमाई करने में आसानी हुई। ये बात अलग है कि धीमी गति से ब्लैंक फिल्म की कमाई फिलहाल देश और विदेशों में चल रही है, लेकिन सनी देओल का इसके बावजूद अपनी फिल्मों को लेकर बात करने के बजाय मुंबई वापस नहीं लौटने का इरादा तय करने के साथ भाजपा से जुड़े रहने का वादा करना एक ही वादे की तरफ उनके लक्ष्य को बार बार बयां करता है कि वो जनता से उम्मीद करते हैं कि उन्हें फिल्मों के बाद भाजपा में भी खूब प्यार मिलेगा और जनता के प्यार के बदौलत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत तय कर पाएंगे और अपने उम्मीदवारी को एक कामयाब उम्मीदवारी बना पाएंगे। और इसलिए वो खुशखबरी देते हुए नजर आई कि वो जनता के बीच जुड़ रहे हैं, जनता के बीच जमीन से जुड़ रहे हैं, किसानों से जुड़ रहे हैं, जरूरतमंदों से जुड़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का शो सनी देओल के लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर, गुरदासपुर में वोटिंग को लेकर लगातार अपडेट आ रही है। वोटिंग से पहले ऐसी हैं तैयारियां जिससे जीत अब भी सनी देओल के हाथ में है, सनी देओल की हर एक बात में है, जनता किस तरह सनी देओल को देती है प्यार, जिन्हें प्रशंसकों में करोड़ों लोगों का हमेशा से प्यार मिला है, जिन्हें पॉलिटिक्स से हटकर फिल्मों में हमेशा प्यार मिला है। देखना होगा जनता क्या अब सनी देओल को उनके फिल्मों के बाद पॉलिटिक्स की करियर में साथ देगी, क्या उनके सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ पाएंगे, इसका तय होगा परिणाम सामने आने के बाद, वोटिंग के बाद क्या होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। फिलहाल यहीं पर आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द इसी तरह नई अपडेट के साथ नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के नेक्स्ट शो के साथ। तो देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और हर खबर के साथ बने रहें आप, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।